is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय कार सर्विस। आज की जो हमारी वीडियो अगेन ऑन एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड जैसे कि मार्केट में एंड्रॉयड का बूम तो आ ही रखा है। एंड्रॉयड पे मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस डाल चुका हूँ, तो मैं हर बार जैसे कहता हूँ, जैसा ही किसी भी प्रोडक्ट में, चाहे एंड्रॉयड में, अब एंड्रॉयड की आज वीडियो डाल दूँ, एंड्रॉयड में कुछ भी एक नया आता है, नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कुछ अच्छा पॉजिटिव उसमें नया अपग्रेडेशन आता है, कुछ भी एक नई बेहतरीन बढ़िया चीज़ आती है, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करता हूँ। तो आज की भी हमारी वीडियो उसी एक एंड्रॉयड के ऊपर, पहले भी मैं इस एंड्रॉयड की वीडियो शेयर कर चुका हूँ आपके साथ, बट उस टाइम में हमारे पास सिर्फ एक ही मॉडल था, एक जो है सिंगल एक प्रॉपर एक ही मॉडल था। अब उस एंड्रॉयड में हमारे पास पूरी एक रेंज आ चुकी है, तो आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने जा रहा हूँ। ये है हमारा जो ओंक्यो का एंड्रॉयड। जेन्युइनली मतलब एंड्रॉयड की भीड़ में से हमने, मतलब हमारे पास भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, 10 से 12 ब्रांड्स में हम भी डील करते हैं, बट एक होता है ना कि प्रीमियम प्रोडक्ट। तो अब आजकल के हमारी एंड्रॉयड की भीड़ में मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से जो उन एंड्रॉयड में से जो सबसे, जिसकी एक जगह है ना कि सबसे ऊपर होनी चाहिए, तो दिस इज़ अ ओनली ब्रांड जिसकी एक प्रीमियम एक अलग ही जगह है, और जेन्युइन में बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का एंड्रॉयड है। लास्ट टाइम मैंने आपका जो है QD 1000 नंबर की वीडियो जो अपने आपके लोगों के साथ शेयर करती थी, खैर उस टाइम में सबसे पहले जो है इसका एक ही मॉडल, एक सिर्फ एक सिंगल मॉडल ही लॉन्च हुआ था मार्केट में, तो उससे हम इतने ज़्यादा इंप्रेस हुए थे कि मैंने काफ़ी जो है, मतलब काफ़ी क्या, मोर देन मेरे ख्याल से 200 सेट्स बेच चुका हूँ, और हर एक सिंगल कस्टमर जो है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी से खुश है। और अब जो है कंपनी ने इतनी रेंज निकाल दी, देखो आपके सामने दिखाता हूँ मैं, जैसे खैर 1000 नंबर जैसे मैंने बताया कि एक लोता जो मॉडल था पहले, अब जो है उससे एक नीचे मॉडल मैंने आपके जो इसमें मैंने डिस्प्ले कर रखा है, एज़ पर स्पेसिफिकेशन, एज़ पर बजट जो है इसका डिस्प्ले कर रखा है। ये जो 1100 नंबर नया लॉन्च हुआ है, इसको खैर हो तो गया टाइम, 6-8 महीने हो चुके हैं, बट वो 1000 नंबर से थोड़ा सा नीचे मॉडल है, 1000 नंबर हमारा थोड़ा सा। अभी मैं आपको इन सब के फीचर्स भी बताऊंगा कि किस में क्या चीज़ नहीं है, किस वजह से कौन सा किससे बेहतर है। फिर हमारा जो एक नया मॉडल आजकल लॉन्च हुआ है, 1200 नंबर, एक जो हमारा 1800 नंबर, तो मतलब एक मैं आपको बजट रेंज भी बताऊंगा कि 10000 से लेकर हमारा इस वाले मॉडल को हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये थोड़ा सा हमारा प्रीमियम क्वालिटी का प्रीमियम बजट में है, बट ये भी हमारे बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के। वो सिर्फ इस वजह से नहीं महंगा कि ठीक है कि उसमें कुछ बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है कुछ एक फ़ीचर्स ऐसे हैं जो प्रीमियम फ़ीचर्स हैं, तो वो एक हमारा प्रीमियम सेगमेंट हो जाता है, उसका थोड़ा सा बजट हमारा 30000 प्लस है, तो उसके मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। ये जो मॉडल्स हैं हमारे 10000 से लेकर 20000 तक की बजट रेंज के अंदर हैं, उसमें फिर आप अपने एज़ पर योर बजट, एज़ पर रिक्वायरमेंट जो है इनमें से चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंस मैं अब आपको बताने जाता हूँ। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला जो सबसे बेसिक मॉडल है 1100 नंबर है, इसमें जो हमारे खैर जो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट की जो आउटपुट है वो सब आसपास ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। जैसे हमारा थोड़ा सा एक तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, इसका जो प्रोसेसर है इसका कोई ऐसा T3, T5 ऑक्टा कोर, 4 कोर ऐसा कोई प्रोसेसर नहीं है। वैसे मैं अपनी लास्ट वीडियो में बताता, ओंक्यो का अपना ही ओंक्यो एक प्रोसेसर आता है, उसमें इन्होंने प्रोसेसर में डिफरेंशिएट नहीं किया, बट एज़ पर मॉडल्स उन्होंने अपना थोड़ा सा फीचर्स जो है थोड़े डिफरेंशिएट कर रखे हैं। अब जैसे 1100 जो हमारा सबसे बेसिक मॉडल है, इसके अंदर जो हमारा थोड़ा सा कंपैरिजन में जो हमारा 1000 नंबर में पहले भेजा था, प्रोसेसर कोई प्रोसेसर का नेम नहीं है, मैं फिर दोबारा बोलूँगा, प्रोसेसर बस वैसे यूसेज में हम जो प्रैक्टिकली एक चीज़ यूज़ करते थे उसके हिसाब से बताऊँगा, यूसेज में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कहते हैं कि 19-20 स्लो, जैसे ये 20 और ये 19, प्लस इसमें जो हमारा वीडियो आउट का फंक्शन नहीं है, प्लस जो AM और FM होता है उसमें AM/FM में AM का फीचर नहीं है। खैर AM का फीचर इतना ज़्यादा जरूरी नहीं होता, और वीडियो प्री आउट भी जो हमें इतना ज़्यादा जरूरी होता है, वो तो जैसे किसी को अपनी अलग से एक्सटर्नल, अपनी अलग से जो है रियर हेड स्क्रीन्स लगानी हो तो उसके लिए वो फीचर काम आता है।
तो इसमें बस जो मेजर डिफरेंस है वो थोड़ा सा इसके और इसमें प्रोसेसर में 19-20 का, इसका थोड़ा सा प्रोसेसर स्लो इन कंपैरिजन टू 1000 नंबर प्रोसेसर। 1000 नंबर के जो हम यूज़ करते हैं, मैं आपके साथ वीडियो पहले शेयर कर चुका हूँ 1100, बस उससे जैसे मैंने बताया कि यह थोड़ा सा 19-20 का प्रोसेसर का फ़र्क है। तो आज जो मेजरली हम जो एक जो नई चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, जिसका मेन हमारा जो मॉडल है और जो बहुत कम्पिटिटिव प्राइसिंग में, वो है 1200 नंबर मॉडल। इसमें अब इसमें मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस है। ये जो है सिर्फ जो हमारा 1000 और 1100 नंबर है, ओनली रियर कैमरा कंपेटेबल है। इसमें कोई आप फ्रंट कैमरा या जो है आजकल जैसे पैनोरामिक कैमराज बहुत लोग मांगते हैं, तो इसमें जो है वो 360 डिग्री पैनोरामिक कैमरा की ऑप्शन ही है। इसमें जो है इनबिल्ट DVR प्लस फ्रंट, अगर आप फ्रंट ईयर कैमरा अटैच करना चाहते हैं विद DVR वो कर सकते हैं, या आप 360 डिग्री कैमरा इसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो इसमें वो भी ऑप्शन है। प्लस जो हमारे 1100 1000 नंबर मॉडल हैं, ये 12 बैंड इक्वलाइजर है और ये जो है हमारा 14 बैंड इक्वलाइजर है। 14 बैंड इक्वलाइजर है, इसकी जो है प्रोडक्ट की जो है आउटपुट साउंड क्वालिटी है इसकी भी बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन है, हर कोई सेटिस्फाइड है। बट होता ना थोड़े से और ज़्यादा, और से और थोड़ा ज़्यादा, तो इसकी 14 बैंड इक्वलाइजर है। जैसे मैंने बताया, एक तो 12 टू 14 बैंड इक्वलाइजर हो गया, प्लस 360 कैमरा कंपैटिबल, प्लस DVR ऑप्शन। तो ये जो है इस जो हमारे इस सेगमेंट में जो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा है, और मेरे ख्याल से ये बहुत यूज़फुल और जितने एक एंड्रॉयड में फीचर्स होने चाहिए वो सब इसके अंदर कवर हो चुके हैं। बट जो इसके अंदर रैम और रोम है वो इन तीनों में 2GB रैम, 32GB मेमोरी है। तो 2/32 इज एनफ मेरे ख्याल से, 4/64 या ठीक है फ़र्क पड़ता है, बट इतना ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता। हाँ, बट जो इनके 2/32 हैं, किसी भी अदर ब्रांड के, एक नॉर्मल से ब्रांड जो मार्केट में काफ़ी सारे ब्रांड जो अवेलेबल हैं उनके 4/64 को कंपीट करते हैं। कि सिर्फ कहने की बात है कि इसमें 2/32 है और किसी और अदर कंपनी का अगर हम 4/64 लगाते हैं तो यार ये मज़ेदार नहीं है, बेकार है। तो जनरली अभी मैं इसको आपका यहाँ पर डेमो भी दिखाऊंगा और डेमो में यूज़ करके भी दिखाऊंगा। तीसरा, जैसे मैंने अपनी कई वीडियो में बताया कि जो कुछ एक चीज़ और होती है जो हम अपने एंड्रॉयड में देखते हैं, कि जिसको एंड्रॉयड मतलब वो सब आप चीज़ नोट करें तो आपका थोड़ा सा एक माइंड कन्विंस हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ ओके है, मैं चीज़ कहती है। जैसे एक तो ब्रांड, प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है, ब्रांड इमेज क्या है। ओंक्यो ऐप, जैसे इसका ओंक्यो का आप कुछ बताने की जरूरत नहीं, एक बार सिर्फ गूगल पर ओंक्यो डालिए, ओंक्यो की पूरी प्रोफाइल आ जाएगी। जैपनीज ब्रांड है, सालों पुरानी कंपनी है और बहुत अच्छा मतलब सेटअप है इसके, होम ऑडियो और जो अपना DJ प्रोफेशनल ऑडियोज में काफ़ी अच्छे अच्छे इसकी रेंज आती है। तो इसलिए आज कुछ ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, ओंक्यो सिर्फ आप गूगल सर्च कीजिए और आपको गूगल में इसकी सारी प्रोफाइल आ जाएगी, क्या किस कैटेगरी का, किस जो अपना उसका ब्रांड में मतलब क्या खासियत है और क्या चीज़ किस वजह से प्रोडक्ट की मतलब इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए, मैं परचेज करना चाहिए। तो अब जो हमारा ये हो गया, इसमें मैंने जैसे इसके फीचर्स आपको बता दिए, आइए अब इसको मैं जो इसको अपने डेमो में चला कर भी दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे उस्ताद जी, इन्होंने डेमो में पकड़ रखा है। अब सबसे पहले बताऊंगा जो मेरे को एक चीज़ अच्छी लगती है, जो बॉडी, एक तो ठीक है फ्रंट लुक तो खैर मार्केट में जो 99% एंड्रॉयड उनकी सेम है, बट जो दूसरा थोड़ा सा आउटपुट की वजह से मुझे जो एक अच्छा लगता है, एक अच्छी चीज़ जो इसमें जो हमारे कई और एंड्रॉयड पर, जैसे मैंने अपना बेस्टन की वीडियो डाल रखा था एंड्रॉयड की ओर डाल के, वो जो मेटल बॉडी में है, मेटल बॉडी की ठीक है थोड़ी सी एक अच्छा एक वो बनता है कि 90% जो हमारे सब प्लास्टिक बॉडी में, तो मेटल बॉडी का एक तो ये होता है कि इसमें मेटल बॉडी में इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक बॉडी आउटपुट अच्छी आती है, और ये जेनुइन में आउटपुट का काफ़ी फ़र्क होता है। अगर हम सेम सेगमेंट का इससे ऊपर सेगमेंट में कोई प्लास्टिक बॉडी का एंड्रॉयड लेंगे और जो हमारा जैसे किसी 4/64 प्लास्टिक बॉडी में होगा और हमारा ये 2/32 हमारा मेटल बॉडी में होगा, तो नो डाउट इसी की आउटपुट ज़्यादा आएगी। ये देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं कि शानदार क्वालिटी है, पूरा मेटल बॉडी सेट है। अब जो है इसको मैं आपका यूसेज दिखाता हूँ। और दूसरी चीज़ इसमें एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो अभी तक मैंने किसी एंड्रॉयड में बोली, खैर 1000 में भी हमारी थी, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है। जनरली एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायरलेस, कोई आप अगर एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस के शौकीन है, आपके मन में जरा सा भी है तो किसी और चीज़ को मत ढूंढो, इसको आँख बंद करके लगा लो, 100% एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो सेटिस्फैक्ट्री वर्क करेगा। प्लस वायर के साथ भी आप यूज़ करना चाहें, वायर के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसकी टच क्वालिटी देखिए, परफेक्ट टच है, मतलब बिल्कुल कैपेसिटी टच है, खैर कैपेसिटी टच आपका सबका ही आ रहा है। ये देखिए एकदम परफेक्ट, एकदम स्मूथ टच है, टच भी खैर सबका ही अच्छा है। अब ठीक है फिर भी हमें बताना जरूरी है कि ठीक है इस प्रोडक्ट में क्या क्या खास बात है, क्या क्या चीज़ें हैं। अब मैंने अपना ये ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्ट कर रखा है, मेरा फ़ोन ये रहा, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसमें जो है हमारा ये देखिए Z-Link फीचर है, ये Z-Link मेरा वायरलेस है, ये हमारा जो है एप्पल कारप्ले, मेरा फ़ोन जो है इसमें अभी मैंने कनेक्ट करा था तो दोबारा से कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसको ऑन करते ही हमारा कनेक्ट हो गया। ये देखिए ये हमारा एप्पल कार वायरलेस है, ये देखिए मैंने कोई वायर नहीं लगाई, ये मेरा फ़ोन ही कनेक्ट है। अब इसमें मैं आपको साउंड की क्वालिटी दिखाता हूँ, ये इसमें हम मेन्यू में बैक पे है, इसमें म्यूज़िक
मैं इसमें ब्लूटूथ से सॉन्ग। अरे भाई सुन ना, आपको साउंड के डीएसपी के फीचर्स दिखाऊंगा, जो बहुत सबसे शानदार इस प्रोडक्ट की चीज है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, प्री साइड पे लेजर है, इसमें आप अपने हिसाब से पॉप रॉक जैज किसी में भी अपनी म्यूजिक की चॉइस के साथ सेट कर सकते हैं। प्लस यूज़र तो हमारा खैर ये हो ही गया, अभी अपना मैनुअली आप अपने सारे बार्स एडजस्ट कर सकते हैं, जो हमारा ये है। इसके बाद ये बैलेंस का, इसमें ये बहुत एक अच्छी चीज़ है इस प्रोडक्ट में, ये जैसे हमारे चार स्पीकर कनेक्ट हैं, हम किसी भी स्पीकर को अपने एज पर, जैसे गाड़ी में कोई पीछे चाहता है कि पीछे वाला स्पीकर बंद कर दो, हम यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा एक स्पीकर ऑफ हुआ, दूसरा ऑफ हुआ, ये हो गया, ये हम यहीं से अपना एक एक स्पीकर वन बाय वन अपना ऑफ भी कर सकते हैं। ये अभी हमारा जैसे ऑन करेंगे, फ्रंट लेफ्ट ऑन हो गया, राइट फ्रंट ऑन हो गया, रियर लेफ्ट ऑन हो गया, और प्लस जो है इसके साथ साथ हम स्पीकर की वॉल्यूम भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त फीचर है, शायद ही किसी एंड्रॉयड में ये सब फीचर्स हों। ये मतलब एक एक करके स्पीकर हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, प्लस स्पीकर की वॉल्यूम को हम कम ज़्यादा रख सकते हैं। हमने जैसे फ्रंट लेफ्ट की वॉल्यूम को कम रखना है, यहाँ से कम कर दी, रियर फ्रंट की वॉल्यूम कम करनी है हमने, उसको कम कर दी, उसको बढ़ा दी, मतलब एज पर अपना। दूसरा सब वूफर ऑप्शन, अगर आपने वूफर लगाया तो वूफर की आउटपुट के लिए वूफर, अपना वूफर की फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। सब वूफर ऑप्शन है, सब वूफर आपको कम रखना है, बंद करना है। ये जैसे बीच में हमारी कॉल आ गई है तो इसको मैं कट करता हूँ। इसके बाद ये हमारी वही है जो स्पीकर्स की फील्ड हो गई, किस हिसाब से आपको साउंड चाहिए, फ्रंट रियर उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। लास्ट चीज बास फिल्टर, मतलब बैस के इतने अच्छे फीचर हैं, बास का गेन का, मतलब जितना इसके अंदर खोलता हो इतने से, मतलब एक जेनुइन में एक इनबिल्ट डीएसपी वाला एंड्रॉयड है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया क्वालिटी का एंड्रॉयड है और बहुत रीजनेबल रेंज का एंड्रॉयड है, जेनुइन में मतलब आउटस्टैंडिंग चीज़ है और प्राइस बहुत रीजनेबल है। मैं अभी आपको एक एग्जैक्ट प्राइस वीडियो पे नहीं बता सकता, क्योंकि जैसे मैं बताता हूँ कि हर बार थोड़े से कंपनी की प्रोफाइल ऐसी है कि वो हमें अलाउ नहीं करते कि आप अपना ओपनली प्राइस कोट कीजिए, वो बस इस वजह से मैं ओपनली प्राइस दें, बाकी हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत बढ़िया क्वालिटी का और रीजनेबल रेंज में मिलेगा आपको। अपने प्राइस के लिए आप मुझे अपने मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, मैंने नीचे दिया हुआ है, या मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको 100% कोशिश करते हैं, कोशिश रहती है, कई बार मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आने की वजह से रिप्लाई थोड़ा सा लेट हो जाता है, पर थोड़े से पेशेंस रखिए प्लीज़, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा इतने मैसेजेस आते हैं, इतने रिप्लाई करने हैं, तो साथ में काउंटर भी देखना, तो कई बार लेट हो जाता है। तो एग्जैक्ट प्राइसिंग आप मुझे कॉल करके या मुझे व्हाट्सअप करके जान सकते हैं। तो ये तो हमारा 1200 नंबर हो गया। अब लास्ट जो हमारा एक प्रीमियम वाला सेगमेंट रह गया वो हमारा क्या, ये जो है हमारा 30,000 प्लस का बजट है। खैर बजट तो अच्छा है, पर जिनका बजट ही, जिनका अफोर्ड कर सकते हैं, जो अलाउ करते हैं, जनरल में इससे बढ़िया, मतलब इससे ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं, मिल ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अब इसमें ख़ास बात क्या है, इसमें उन सब के अलावा जैसे पैनोरामिक कैमरा, 360 कैमरा, वो सब है, कुछ एक चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जैसे इसमें 2K हमारा, वैसे तो इन्होंने 4K भी मेंशन किया, 4K डिस्प्ले है, जो मेरे ख्याल से 4K अभी एक्चुअल 4K किसी भी एंड्रॉयड में नहीं आया, एक्चुअल 4K डिस्प्ले, प्लस जो हमारा पाइनियर वाइनियर के हाई एंड सेटों में आता है 4RC प्री आउट है, बाकी सारे हमारे फीचर्स कॉमन है, और प्लस ये है 4GB रैम 64GB मेमोरी में है। इसमें 628 भी आता है, उसका थोड़ा सा रेंज और ऊपर हो जाती है, वो आप अगर अपने बजट के हिसाब से आप चाहते हो तो मुझे कॉल करके आप पता कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फाइनली मतलब इसमें प्रोडक्ट में इतनी रेंज आ चुकी है कि मेरे हिसाब से मुझे अब किसी और प्रोडक्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके अलावा, फिर दोबारा कहूँगा कि जो बाकी हमारे एंड्रॉयड्स में बेकार हैं, एज़ पर बजट अगर ठीक है, एक हमारे पास रेंज जो हमारे शॉप पे भी शुरू हो जाती है 6-7 हज़ार से शुरू हो जाती है, अब तो खैर अगर हम ये भी रखेंगे तो हमारी रेंज काफ़ी अच्छी ऊपर तक चली जाती है। तो अपने बजट के हिसाब से आप अपना बेस्ट प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से दीज 3 आर एनफ, अगर आपका एक नॉर्मल बजट है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, थोड़ा सा बजट आप ऊपर करें तो ये, और अगर आपको DVR वगैरह का ज़्यादा शौक है तो आप इसको चीज़ को ले सकते हैं। क्वालिटी आपको मैंने दिखा दी, ब्रांड का आपको मैंने बता दिया, ब्रांड का खैर बताने की ज़रूरत नहीं, मैं फिर कहूँगा कि इसको गूगल करिए, ब्रांड के मुझे, और सर्विस जो है इसकी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है, और जो इसका हमारा आप ये देख सकते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर ने आजकल अपना नाम भी देना शुरू किया, सुप्रीम ऑटो के नाम से, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स करते हैं। तो मतलब एक ब्रांड की इमेज तो मैटर करती है, उस वो ब्रांड हम किस डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं, उस डिस्ट्रीब्यूटर की इमेज भी बहुत मैटर करती है, कि ठीक है प्रोडक्ट हम अच्छा बेच रहे हैं पर हमें जब पीछे से डिस्ट्रीब्यूटर से बैकअप ना मिले, सर्विस ना मिले, तो वो भी बेकार है।
तो इसका जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वो भी नंबर वन है, मतलब एस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूटर इन द मार्केट जिनके पास एक से एक प्रीमियम ब्रांड है, और प्लस जो ब्रांड तो हमारा प्रीमियम है। तो बस मेरे ख्याल से वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई आज की, तो यही है दोस्तों हमारी आज की वीडियो के हीरो, जेन्युइनली ट्रस्टवर्दी प्रीमियम ब्रांड अवेलेबल इन द मार्केट फॉर एंड्रॉयड। तो अगर आपका बजट जो भी मैंने थोड़ा बजट है इस बजट में, तो कुछ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, गो फॉर दिस मॉडल। और फिर मैं हर बार की तरह अपनी वीडियो में जैसे बोलता हूँ कि अगर मेरे ट्रस्ट पे आप कोई ब्रांड लेते हैं, कोई प्रोडक्ट लेते हैं, हफ्ते 10 दिन के अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट हाँ पर एज़ पर माई कमिटमेंट नहीं है, मेरे कमिटमेंट के हिसाब से नहीं है, तो 100% मनी बैक गारंटी, आप प्रोडक्ट को रिप्लेस करा सकते हैं, प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं हफ्ते से 10 दिन की हर एक आइटम की। एंड्रॉयड ही नहीं, मेरे से कुछ भी चीज़ लेते हैं, हर एक चीज़ की मनी बैक गारंटी है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपने मेरे से चीज ली या मेरे ट्रस्ट पे चीज ली तो उसमें आपको अगर चीज़ पसंद नहीं आती तो फंस गए, तो कोई ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है। मेरे लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन फर्स्ट है, बाकी प्राइस तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, किसी का कुछ होता है किसी का कुछ होता, तो वो भी आपको यहाँ पर बहुत रीज़नेबल और बहुत कम्पिटिटिव प्राइस में मिलेगा। तो बस यही कहते हैं, यही है हमारी आज की वीडियो के हीरो, हमारा ओंक्यो, ओंक्यो की पूरी एक फुल फ्लैश रेंज। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ, गुड बाय दोस्तों।